सवालात है तो इंशाल्लाह मजीद सवालात और जवाबात की रोशनी में मसले इंशाल्लाह हल किए जाएंगे। मैं अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुभान व तआला मुझे और आप सबको हलाल कमाई कमाने की अल्लाह सुभान व तआला समझ और तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी हम रहनुमाई करें ताकि सब के सब लोग हलाल कमाई कमाने वाले बन जाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर शेख अरशद बशीर मदनी, आपने उसूली तौर पर और काफ़ी आसान तरीके से टॉपिक को समझाया है। इंशाल्लाह अब हम सवालात और जवाबात की नशिश लेते हैं। एक सवाल हम पेपर पे से लेंगे और एक सवाल कॉर्डलेस माइक पे से जाएगा जो मेरे राइट हैंड साइड पे रहेगा। तो पहला सवाल हम पेपर से लेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने सवाल क्या है कि मेरा सवाल यह है कि बैंक से कई स्कीमों के तहत कर्जा मिल रहा है, बैंक कर्जा दे रही है, जैसे छोटे बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको कर्जा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारोबार वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 करोड़ रुपया कर्जा हासिल करता हूं तो सरकार उस रकम पर 35-40% सब्सिडी मुझे देती है। सब्सिडी की इस रकम को मेरा जो सूद बन रहा है मैं वो सूद की रकम में जमा करता हूँ और बाकी असल रकम 1 करोड़ रुपये मुझे वापस करना है और ये रकम वक्त पर मैं अदा करूँ तो इस पर कोई सूद नहीं लगता, क्या यह दुरुस्त है? किताब और सुन्नत की रोशनी में दलाइल करो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपने मसला समझा या नहीं फिर मैं आपको दोहरा देता हूं। आपने गौर किया होगा मैंने कसूर बताया था जिहतुल इन्फिकाक, मसले को बांट लेने में आसानी होती है। इस मसले के अंदर भाई को सवाल क्यों आया? क्योंकि मसले को आपस में उन्होंने मर्ज कर दिया, आपस में गुंजलक हो चुका है। सब्सिडीज एक अलग चीज है, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिल रही है। गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो 40-50% जो पैसा आपने कहीं से भी खरीदा लिया है हम वो अदा करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आगे लाएं, कारोबार करने वालों को आगे लाएं, तो 40-50% गवर्नमेंट अदा कर रही है। तो अब दिमाग में ख्याल आया, हजरत इंसान के दिमाग में ख्याल आता है क्योंकि इंसान तो हीला करने में बहुत आगे निकलता है। बनी इसराइल भी हीला करने में बहुत आगे थे, हीला करने में आगे। तो उन्होंने कहा बैंक वाले भी खरीदा दे रहे हैं, सूदी खरीदा दे रहे, बैंक वाले भी खरीदा दे रहे, सूदी खरीदा दे रहे। तो बैंक वालों से वो लोग क्या करते हैं 1 करोड़ का कर्जा ले लेते हैं। जाहिर बात है बैंक वाले बगैर सूद के कर्जा तो देते नहीं, सूद पर ही कर्जा देंगे। यहां से सब्सिडी का जो पैसा मिल रहा है 50-40%, ये पैसा इनका इरादा क्या है? बैंक वालों ने जो सूद लगाया है वो सूद इससे अदा कर देंगे। तो इनके दिमाग में ख्याल क्या आएगा? हमारे दिमाग में ख्याल क्या आएगा? मैं थोड़े ही सूद अदा कर रहा हूं, गवर्नमेंट सूद अदा कर रही, मैं तो नहीं हूं, मैं तो बाल बाल बच गया। जैसे बात ऐसी नहीं है, सूद गवर्नमेंट से जो आपने मामलतदारी की ये अलग मामलतदारी हुई, बैंक से जो आपने मामलतदारी की अलग मामलतदारी हुई। गवर्नमेंट से आपको जो सब्सिडी का मिला ये तो अपनी जगह पर हलाल है क्योंकि गवर्नमेंट पूरे गवर्नमेंट क्या है? नथिंग बट बाय द पीपल, लोगों के जरिए से ही आपको, यानी कि हमारा ही माल स्कीमों के तहत पलटाया जा रहा है, ये तो बिल्कुल अलग डील हो गई। लेकिन जो आपने बैंक से डीलिंग की है कि मैं कर्जा लूंगा और इस पर सूद दूंगा, एक मुसलमान के लिए सूदी एतबार से कर्जा लेते हुए साइन करना जायज नहीं है, ये जो डीलिंग हुई है नाजायज। ये मसला अलग, ये मसला अलग, इसको इस तरह से मर्ज करने से मसला हल होने वाला नहीं है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। जज़ाकअल्लाह खैर। अगला सवाल हम माइक पे से लेंगे। मैं भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना नाम और पेशा बताए सवाल करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ फार्मेसी में। आपका नाम है? शाहिद अंसारी। मेरा सवाल ये है कि फ़ै क्या है और सूद और फ़ै में फ़र्क है, वाजा करें। बाज़ हज़रात बैंक के सूद को फ़ै कहते हैं, बराए करम वाजा करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने जानने की कोशिश की है कि सूद में और फ़ै में फ़र्क क्या है, और बाज़ लोगों ने फ़ै कहा सूद, फ़ै है कहा उन्होंने। फ़ै और माले गनीमत दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। माले गनीमत का जिक्र आपको मिलेगा सूरे अनफाल, जो मुकम्मल सूरा है माले गनीमत, अनफाल गनीमत, सूरे अनफाल नंबर 8 के आयत नंबर 1 में। माले फ़ै का आपको जिक्र मिलेगा सूरे हशर नंबर 59 के आयत नंबर 5, 6 और 7 में। फ़ै का जिक्र उधर है, गनीमत दोनों अलग अलग चीजें। माले गनीमत यह है कि जंग करने के बाद सामने वाला जो हथियार, जो भी माल छोड़कर चला जाता है जंग हारने के बाद, मुसलमान
जो दुश्मन का माल बटोर के ला लेते हैं, इसको माले गनीमत कहते हैं। जंग होने से पहले ही भाग गया दुश्मन अपना सामान छोड़कर, जैसा कि गजवे बनी मुस्तलक है। गजवे बनी मुस्तलक यह है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने गए तो वो लोग डरकर भाग गए और जितना उन्होंने अनाज लाया था वो सारे के सारे थैले छोड़कर गए। तो सहाबा इकराम ने कहा अनाज की जरूरत थी, दुश्मन आकर अनाज छोड़कर गया। जंग होने से पहले ही छोड़कर थे। वो आयते नाज़िल भी माले फ़ै, तो कहा कि माले फ़ै जायद, जंग करने के बाद जीतने के बाद माले गनीमत इस्तेमाल करेंगे। सहाबा को यह मालूम था माले फ़ै जो बगैर जंग के आ जाता है वो कैसे, तो आयत नाज़िल भी ये भी जायज है, क्योंकि आपने जंग का इरादा तो किया, अल्लाह के खातिर लड़ने का इरादा तो किया। इन्नमल आमालू बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। ये हुआ माले गनीमत और माले फ़ै। सूद का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कहां जंग हो रही है। बाद लोग कहते हैं नहीं, हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के अखबार में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर कहा, देवबंद की तरफ से फतवा आया, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी, कि आज के अखबार का अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताया गया मुनसिफ के अंदर हेडिंग में कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं बल्कि हिंदुस्तान दारुल अमन है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने गलत फहमी में आकर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब का प्लेस ऑफ वार, और कहा कि प्लेस ऑफ वार में सूद हलाल है, सूद हलाल है, फैसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे को मिसकोट किया जा रहा है, कहा कि दारुल हर्ब में सूद हलाल है लिहाजा हिंदुस्तान में सूद हलाल है। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवे के अंदर खुद उन्होंने वादे किया है दारुल हर्ब का मतलब है कि वो जगह जहां पर मुसलमान की अक्सरियत हो, दुश्मन आकर गलबा पाता है, यहां तक कि उनको धक्के मार मार कर निकाल देता है, यहां तक कि एक अजां भी उस शहर में या उस मुल्क में होने नहीं दी जाती, जब तक भी एक अजा भी बाकी रहेगी उसको दारुल हर्ब नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान में अजा नहीं हो रही, हो रही है, तो फिर इसको प्लेस ऑफ वार अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के डेफिनेशन के मुताबिक भी हिंदुस्तान को दारुल हर्ब नहीं कहा सकता। जब यह दारुल हर्ब नहीं है तो यहां पर सूद कैसे हलाल हो जाए, और अगर यह दारुल हर्ब है तब भी सूद हलाल नहीं है, क्योंकि जो हदीस पेश की जाती है ला रिबा फी दारुल हर्ब बैन अल हर्बी व मुस्लिम और कमाकाल, मौजू मनगढ़ंत हदीस है, दुश्मन और मुसलमान के दरमियान सूद हलाल हो जाता जबकि दारुल हर्ब हो। यह मनगढ़ंत हदीस है, कुरान मजीद की किसी भी आयत में सूद को का यह नहीं कहा गया कि बाज जगहों पर सूद हलाल हो जाता हो। अहादीस के इतने बड़े जखीरे में जो ऑथेंटिक अहादीस है कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि मजबूरी में सूद हलाल हो जाता है। अगर इस तरीके से कहा जाए तो फिर मजबूरी में जिना भी हलाल कर देंगे लोग, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हिंदुस्तान प्लेस ऑफ वार नहीं है, प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है। यहां पर हम पासपोर्ट बनाते हैं, राशन कार्ड के जरिए से फायदे उठाते हैं, फिर कहते हैं कि प्लेस ऑफ वार, तो बात समझ में नहीं। प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है, पासपोर्ट बनाना, राशन कार्ड निकालना, साइन करना, इस बात की दलील है कि हम यहां के खवानीन को मानते हैं। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो एग्रीमेंट को पूरा करो। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 के आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला करें वो औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, अहदों को पूरा करो क्योंकि अहद क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर हम सारे के सारे मुआहदा करके रह रहे हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 9 हदीस नंबर 49 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कतला मुआहिदन लम युरी राहियतल जन्ना, जिसने किसी भी मासूम, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जिसने किसी भी मासूम मुआहिद एग्रीमेंट करने वाले की जान ले ली वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सुनेंगे। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जज़ाकअल्लाह खैर। अगला सवाल हम पेपर से लेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे हाजिर में मुस्लिम नौजवान MBA और BBM जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, जाहिर है कि ये कोर्सेज तिजारत से जुड़े हुए हैं, चुनाचे उनको इंश्योरेंस कंपनियों में, फाइनेंस कंपनियों में और बैंकों में और शराब की कंपनियों में रोजगार के ज्यादा मौके मुहैया हैं। ये कहाँ तक सही और दुरुस्त है बयान फरमाइए, और हमारी दरख्वास्त है कि इसके अलावा और कौन सी कंपनियों में हम रोजगार तलाश करें आगा फरमाइए, अल्लाह ज़्यादा खैर दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे हमारे भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ रहे, बिजनेस रिलेशन मैनेजमेंट PR मेंटेन करना, MBA और BBM नहीं करने वाले भी, BCom करने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता पहले स्मॉल लेवल पर काम करते हैं, फिर उसके बाद सीनियर वो मार्केटिंग करने वाले बन जाते हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में मार्केटिंग खुद एक बेहतरीन रोजगार बन चुका है, बल्कि यहां तक कहा जाता है दुनिया के हर बिजनेस के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, परेशानी आएगी।